ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सैनिकों ने उनके कपड़े ले लिए और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों के चार भाग कर दिए, हर सैनिक के लिए एक भाग। उस कुर्ते में सीवन नहीं था, वह ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इसे नहीं फाड़ें, चिट्ठी डालकर देख लें कि यह किसे मिलता है। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सैनिकों ने ऐसा ही किया। संत योहन अध्याय 19 वाक्यांश 23। अपनी ही माता और मित्रों के समक्ष वस्त्रहीन होना और क्रूस पर चढ़ाया जाना, इससे अपमानजनक बात और क्या हो सकती है। जब माता मरियम ने यीशु को क्रूस पर वस्त्रहीन देखा, तब उनकी आंखों के समक्ष उनके जन्म का दृश्य आया। यीशु के वस्त्रों को उनके शरीर से अलग करना इस बात को दर्शाता है कि उनके जीवन की पवित्रता उनके वस्त्रों या संसारिक वस्त्रों में नहीं है, बल्कि इसमें थी कि वे कौन हैं। हमें भी अपने जीवन का मूल्य जानने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हम भी अपना मूल्य और पहचान संसारिक चीजों की दृष्टि से देखते हैं। आज हमें भी वस्त्रहीन यीशु से प्रेरणा लेनी है, जो अपनी माता और सारी दुनिया के समक्ष क्रूस पर टंगे हैं। हमारा गौरव इस बात में नहीं है कि हमने इस धरती पर रहते हुए क्या कमाया है, बल्कि हमारा मूल्य यीशु के संग एक होने में है। हमारा मूल्य और गौरव इसलिए है क्योंकि सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु स्वयं हमारे शरीर में निवास करते हैं। हे माता मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर ताकि हम दूसरों का मूल्य संसारिक वस्तुओं की दृष्टि से ना देखें। हमारी सहायता कर ताकि हमें सबको परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों की दृष्टि से देख सके। हे धन्य कुंवारी माता मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर।